नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 25 से 50 वर्ष तक की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये। झारखंड में झारखंड सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ही झारखंड की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। खबर है कि जल्द ही झारखंड सरकार 25 से 50 साल तक की महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये डालने जा रही है, जिससे महिलाओं का आर्थिक स्तर उठेगा और वे अपने खर्चे के लिए किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। मीडिया की खबरों को माने तो चंपई सोरेन सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये बेहद बड़ा निर्णय लिया है। इस योजना के तहत झारखंड की लगभग 35 से 40 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। दरअसल झारखंड सरकार जल्द ही महिलाओं को मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत ये सहायता प्रदान करेगी, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएं। झारखंड में मौसम ने ली इंट्री, मौसम बना खुशनुमा। दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड में प्रवेश कर चुका है। बता दें कि झारखंड में मानसून की एंट्री के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। झारखंड के अधिकतर इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। झारखंड के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। झारखंड के कुछ हिस्सों में गुरुवार शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है और यह शुक्रवार 21 जून को भी जारी रही। खबर है कि पिछले 24 घंटों में पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में सबसे अधिक 74.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग को माने तो अगले 5 दिनों तक झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवाएं चलेंगी, ठनका गिरने की भी संभावना है। वहीं इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री रहने के आसार हैं। झारखंड के स्कूलों के टाइमिंग में फिर से हुआ बदलाव, 7 से 1 बजे के बीच कक्षाएं होंगी संचालित। झारखंड में मौसम में बदलाव होने के कारण विद्यालयों के समय में एक बार फिर से बदलाव कर दिया गया है। खबर है कि आगामी 30 जून तक झारखंड में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक सरकारी विद्यालय संचालित किए जाएंगे। बता दें कि 1 जुलाई से सरकारी स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया है। इससे पहले गर्मी को देखते हुए सुबह 11:30 बजे तक ही विद्यालयों के संचालन करने का आदेश जारी किया गया था। यह आदेश सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए भी लागू होगा। वहीं प्राइवेट स्कूल स्वयं निर्णय ले सकेंगे। मौसम में बदलाव को देखते हुए विद्यालयों की संचालन समय सीमा बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। झारखंड में 22 से 24 जून तक होंगे जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024 दिनांक 22 जून से 24 जून तक होगी। खबर है कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके लिए 14 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। बता दें कि जेपीएससी मेंस एग्जाम के लिए झारखंड की राजधानी रांची में 14 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही एग्जाम सेंटर की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई गई है। 22 से 24 जून की रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। खबरों की माने तो धारा 144 के तहत इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह निषेधाज्ञा 22, 23 एवं 24 जून की सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। देश के 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिला 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार को 2024 के लिए पूर्ण बजट से पहले 8वें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव मिला है। 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल मोदी सरकार को भेज दिया गया है, ताकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन भत्ते पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सकें। बजट जुलाई के अंत में पेश किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल पर बात कर सकती है।
बता दें कि सेवेंथ पे कमीशन को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 28 फरवरी 2014 को लेकर आए थे। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई। मोदी सरकार के कार्यकाल में ये पहली बार होगा जब नए वेतन आयोग का गठन होगा। एनआईए में नौकरी पाने का शानदार अवसर, निकली बंपर वैकेंसी। एमएचए यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। इसके लिए एनआईए ने सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाली हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए संबंधित योग्यता जहां योग्यता रखते हैं वे एनआईए की आधिकारिक वेबसाइट nia.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनआईए के इस भर्ती के तहत कुल 114 पद जहां बहाल किए जाएंगे। अगर आप भी इन पदों पर नौकरी पाना चाहते हैं तो विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर अप्लाई कर दें। इन पदों पर जो भी नौकरी करना चाहते हैं वे विज्ञापन में दी गई बातों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। यूजीसी नेट जून री एग्ज़ाम की तारीख जल्द होगी जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही यूजीसी नेट जून पुनः परीक्षा 2024 की तिथि रिलीज करेगी। वे उम्मीदवार जिन्होंने 18 जून को हुई यूजीसी नेट एग्ज़ाम दी हो वे नई तिथियों के विषय में जानने के लिए समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का पता है ugcnet.nt.nic.in। यूजीसी नेट जून परीक्षा का आयोजन अब किस तारीख पर किया जाएगा इस बारे में एनटीए जल्द ही जानकारी देगा। नई तारीख रिलीज होने के साथ ही नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इन दोनों के बारे में अपडेट जानने और रिलीज होने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। बता दें कि यूजीसी नेट जून परीक्षा की तिथि नई तिथि जारी होने के साथ ही एडमिट कार्ड भी रिलीज किए जाएंगे। इन्हें उम्मीदवार जारी होने के बाद अपने डिटेल्स डालकर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि इस बारे में भी कुछ उम्मीदवारों ने शिकायत दर्ज कराई है। तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है मॉनसून। देश के इन 20 राज्यों में अगले 5 दिनों तक होगी जबरदस्त बारिश। देश भर के लोगों को मॉनसून का इंतजार कर रहे बारिश की बौछार ने राहत दी है। बता दें कि जल्द ही खुशखबरी सामने आने वाली है। केरल तटीय और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक, कोंकण, गोवा में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कम से कम 20 राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि साउथ वेस्ट मॉनसून महाराष्ट्र, विदर्भ के बचे हुए हिस्से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में पहुँच गया है। आने वाले 3 से 4 दिनों में मॉनसून गुजरात, महाराष्ट्र के बचे हुए इलाकों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाला है। YouTube ला रहा खास फीचर, अब AI चैटबोट का यूज करके सर्च कर पाएंगे गाना। YouTube पर आए दिन नए नए फीचर देखने को मिलते हैं। अब इसी कड़ी में YouTube पर एक और फीचर देखने को मिलेगा जो AI से जुड़ा है। दरअसल गूगल इन दिनों यूट्यूब पर एक ऐसे AI स्किल पर काम कर रहा है जिसकी मदद से यूजर कोई धुन गुनगुनाकर या फिर सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का देकर गाने सर्च कर सकेंगे। इस AI फीचर का नाम आस्क फॉर म्यूजिक है जो एक जेनरेटिव AI चैटबॉट का इस्तेमाल करके यूजर के लिए उनकी पसंद के हिसाब से गाने ढूंढेगा। वैसे हाल ही में यूट्यूब पर प्ले सिंग या हम टू सर्च फीचर लॉन्च किया गया है। इस फीचर में भी आप AI का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीकों से अपनी पसंद का गाना सर्च कर सकते हैं। बता दें कि ऑस फॉर म्यूजिक जानकारी के अनुसार इस फीचर को एक्सेस करते ही आपको स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट देना होगा या फिर कोई धुन गुनगुनाना होगा। इसके बाद ही AI जनरेटेड रिजल्ट आपके सामने होगा। इसके अलावा एक और बात सामने आई है कि आस्क फॉर म्यूजिक फीचर एक्सपेरिमेंटल है जिसकी वजह से इससे मिलने वाले रिजल्ट की क्वालिटी और सटीकता अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा इसमें सबमिट बटन का भी जिक्र किया गया है। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड का बेरोजगारों को तोहफा, असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP पदों के लिए जारी की गई रिक्तियों की संख्या को
अपडेट करते हुए बढ़ा दिया है। रेलवे बोर्ड के आधिकारिक नोटिफिकेशन से मिली जानकारी के अनुसार RRBALP के लिए 5,696 रिक्तियों को बढ़ाकर 18,799 किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के खाली पड़े पदों को भरने के लिए 1 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद रेलवे जोनल रेलवे की बढ़ती मांग के चलते समीक्षा बैठक के बाद इन रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।